मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जिसका नाम था कारक, और उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते थे, केस। अच्छा, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी और उसके जो 8 भेद होते हैं नाम पढ़ लिए थे। और कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भेदों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज नया दिन है तो नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कारक की डेफिनेशन क्या थी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और 8 भेदों के 8 विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। जैसे याद है ना, कर्ता ने कर्म को, चलो देखते हैं टेबल। तो ये टेबल है बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, अधिकरण में, पे और पर, और संबोधन हे ओ अरे, ठीक है। तो अगर ये विभक्ति चिन्ह किसी भी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, आपको समझ लेना है कि उससे संबंधित कारक कौन सा है। चलिए तो हम कर्ता कारक से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब जो आपका कर्ता कारक है, ठीक है, वो क्या है? देखिए, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, जो काम करने वाला है वो कर्ता कारक है, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, बोध होने का मतलब क्रिया कौन कर रहा है हमें इसका पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। देखो, वाक्य होगा तो क्रिया तो होगी, और क्रिया होगी तो ये तो पता करना पड़ेगा कि उस क्रिया को कौन कर रहा है। तो अगर वाक्य में उस क्रिया को करने वाला मौजूद है तो वो है कर्ता, और वही है कर्ता कारक, ठीक। तो कर्ता कारक के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आएगा तो ने आएगा, कर्ता ने, और अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखो, रावण ने राम को मारा, ठीक है, क्रिया क्या है, मारना। अब किसने मारा, मारने वाला कौन है, राम ने मारा, तो यहाँ पर राम ने कर्ता कारक है और विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह पत्र लिखती है, क्रिया क्या है, लिखना, कौन लिखती है, वह। अब वह ने तो नहीं है ना, वह ने नहीं, तो ने आना हमेशा कंपलसरी नहीं है, बट आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर कारक कौन सा है, कर्ता कारक है या नहीं। तो जो रेड कलर से आपके शब्द लिखे हुए हैं, ये आपके कर्ता कारक है, ठीक है। तो कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, या क्रिया कौन कर रहा है इसका पता लगता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, तुमने मुझको पुकारा, उसने क्लास में शोर मचाया, बच्चों ने मुझे खूब हंसाया, तुम ने दरवाजा क्यों खोला, हमने आज बहुत मिठाई खाई। ये जो सारे सेंटेंस मैंने बोले बच्चों, इसमें सब में कर्ता कारक का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आप भी ऐसे और सेंटेंस बनाकर देखो, अच्छा लगेगा। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, कर्म कारक, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े कर्म कारक कहलाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य, जो क्रिया का कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, करने वाला तो जो होता है वो तो कर्ता कारक हो गया, अब उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, उसे हम कर्म कारक बोलते हैं। जैसे फिर से वही सेंटेंस, राम ने रावण को मारा, अब क्रिया तो है मारना, किसने मारा, राम ने मारा, राम ने मारा, किसको मारा, मतलब क्रिया किस पर की गई, मारने की क्रिया किस पर की गई, रावण पर की गई, रावण को मारा, वैसे भी आता है ना कर्म को, तो रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्म कारक है। अगर यहाँ से रावण को हटा दें, केवल इतना लगा दें राम ने मारा,
तो यहाँ केवल कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। दूसरा देखिए, पिता ने पुत्र को डांटा। क्रिया क्या है? डांटना। क्रिया क्या है? डांटना। किसने डांटा? पापा ने डांटा, पिता ने डांटा। किसको डांटा? पुत्र को डांटा। तो किसने डांटा? कर्ता कारक। किसको डांटा? कर्म कारक, क्योंकि कर्ता कारक में आता है ने, किसने, और कर्म कारक में आता है को, किसको। तो आप किसने और किसको ये ध्यान रखना, तो आपको कर्ता कारक और कर्म कारक मिल जाएगा। ठीक है ना? तो राम ने रावण को मारा, ठीक, पिता ने पुत्र को डांटा। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं सोचिए, मैं भी सोचती हूँ और मेरे साथ आप भी सोचिए। सभी ने बच्चों को बहुत परेशान किया। मैंने अपने टीचर को एक कहानी सुनाई, तो उसमें को जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर कर्म कारक है। ठीक, एक हो गया आपका कर्ता कारक और दूसरा हो गया आपका कर्म कारक। तीसरा चलते हैं, तीसरा है आपका करण कारक। अब करण कारक क्या है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है। क्रिया के साधन का मतलब क्या है? क्रिया के साधन का मतलब है जो क्रिया आप कर रहे हो, अगर उस क्रिया को करने में आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप किसी की मदद से लिख रहे हो, आप किसी की मदद से वो काम कर रहे हो, तो वहाँ पर करण कारक है। इसीलिए तो होता है करण से। जैसे मैंने कहा कि मैंने पेंसिल से लिखा, तो मैंने क्रिया की, मैंने कर्ता कारक हो गया, लिखना क्रिया हो गई। अब किस से लिखा, यहाँ से सारे शब्द निकल आएंगे, करण से किस से लिखा, पेंसिल से लिखा, तो वहां पर जो पेंसिल से शब्द है वो करण कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक साबुन से नहाता है, तो बालक नहाता है, नहाने की हो गई क्रिया। कौन नहाता है? बालक नहाता है। किससे नहाता है? से आ गया ना, किससे। आप बस ये याद कर लो, कर्ता ने, किसने, कर्म को, किसको, करण से, किससे। बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए फिर। तो बालक साबुन से नहाता है, किससे नहाता है? साबुन से, करण कारक। वह बस से मथुरा गया, किससे मथुरा गया? बस से, करण कारक। ठीक, मैंने जूते से मिट्टी को दबा दिया, मैंने जूते से मिट्टी को दबा दिया, किससे दबा दिया? जूते से दबा दिया, है ना। मैंने बेलन से उसे मारा, किससे मारा? बेलन से मारा। ठीक, तो यहाँ पर जिस भी वस्तु का उपयोग करके, जिस भी वस्तु की सहायता से आप क्रिया करते हैं, वहां पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो तीन कारक समझ में आ गए बच्चों, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। कर्ता ने, किसने, कर्म को, किसको, करण से, किससे। कितनी सुंदर बात हो रही है ना, मजा आ रहा है। तो अब चौथे कारक की बात करते हैं, संप्रदान। संप्रदान के लिए, संप्रदान को या संप्रदान के लिए, ठीक है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए, के लिए आ गया, या जिस संज्ञा या सर्वनाम को कुछ दिया जाए, तो को आ गया, वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक को पुस्तक दो, किसको या किसके लिए, आप दो शब्द पूछो, किसको, ठीक है, किसको। ये कर्म से अलग है, कर्म में भी आता है ना, कर्म को। किसको मारा? रावण को मारा, तो वहां पर कर्म है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, किसको दो, किसको दो, बालक को दो। तो यहाँ पर बालक को कर्म नहीं है, संप्रदान है। क्योंकि संप्रदान में आप ये याद कर लो कि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है, भले ही दोनों की विभक्ति चिन्ह एक जैसी हो। कर्म कारक की भी को है और संप्रदान कारक की भी को है। बालक को पुस्तक दो, ये फल तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तो जिसके लिए, किसके लिए और किसको। तो अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने उसको हंसाया,
मैंने किसको हंसाया? उसको हंसाया। अब बताओ मुझे यहाँ पर कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा? यहाँ पर कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको हंसाया, तो यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया नहीं मैंने और किसी को कुछ दिया नहीं मैंने, है ना। किसको हंसाया? किसको हंसाया? उसको हंसाया, तो यहाँ पर कर्म है। हंसाने का काम किसके ऊपर हुआ? उसके ऊपर हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। अच्छा, अगला देखते हैं, पांचवा अपादान कारक। इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध चले, ऐसा होता है अपादान से अलग होने के लिए, तो वहां पर अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरकर क्या हुए? अलग हो गए। किससे? किससे गिरे? एक होता है आपका करण कारक, किससे किया, मतलब अगर आप उस साधन का प्रयोग कर रहे हैं उस काम को करने में, तो आपका करण कारक है। और अगर कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक है, भले ही विभक्ति चिन्ह दोनों की एक जैसी है। पेड़ से, अगर मैं कहूँ मैंने पेन से लिखा तो करण कारक, पेड़ से पत्ते गिरे तो अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, किससे निकलती है? हिमालय से अलग हो जाती है ना निकलकर, तो साधन नहीं है, ये है अपादान कारक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। संप्रदान कंफ्यूज करोगे आप कर्म कारक के साथ, और जो अपादान है उसको आप कंफ्यूज करोगे करण कारक के साथ। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आप अलग होते हो किसी चीज से, अलग होते हो तो वहां अपादान है, और अगर आप किसी चीज से अलग नहीं होते, उसके साथ वो क्रिया करते हो, तो वहां पर करण कारक है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ आप ये पढ़ लीजिए कि ये कारक होते क्या है। अगला देखिए, 6 नंबर पे संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या होते हैं? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में जो दूसरी संज्ञा और दूसरे सर्वनाम शब्द दिए हैं उनसे रिलेशन बनता है या संबंध प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध का, की, के। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे, तो राम किसके पुत्र थे? काकी के आ रहा है, दशरथ के पुत्र थे, ठीक। तो यहाँ पर राम दशरथ पुत्र, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं और इनका आपस में रिलेशन क्या है? दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम। तो वहां पर जहां पर संबंधों की बात की जाएगी, काकी के शब्द आएगा, ठीक, तो वहां पर आपका संबंध कारक होगा, ठीक है। अगला देखिए आपका अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। क्रिया कहां पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है, आधार क्या है क्रिया का, जैसे में, पे और पर, ठीक। तो जैसे तालाब में कमल खिले हैं, तो खिलने की क्रिया कहां हो रही है? तालाब में हो रही है ना, तो जहां में आ जाए, पे आ जाए। जैसे छत पे बंदर झूल रहे हैं, तो कहाँ पर बंदर झूल रहे हैं? छत पे, पेड़ पर, ठीक। इस तरह से आप में, पे, पर अगर आप देखोगे तो वहां पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, संबोधित करने का मतलब बच्चों पुकारा जाए, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हमने पुकारा, अरे तुमने यह क्या कर डाला, तो यहाँ पर हमने अरे लगाया, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे लगा दें, हे लगा दें, ओ लगा दें, है ना। तो जो भी शब्द हम पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, वहाँ पर वो संबोधन कारक होता है, ठीक है। और संबोधन कारक के साथ आपने देखा होगा ये विस्मयादि बोधक का जो है वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। तो ये आपके थे 8 कारक। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह था, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में, पेपर और संबोधन हे, ओ, अरे। हमने क्या जाना? ये जाना। क्या जाना? ये जाना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से पता चलता है, उसे कारक कहते हैं।
कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ये था आपका आज का चैप्टर, ठीक है।